दोस्तों, आपने आज तक कहीं ना कहीं कम से कम एक बार NFC के बारे में जरूर सुना होगा। वो आपके मोबाइल के डब्बे पे हो सकती है, आपके मोबाइल के अंदर सेटिंग्स में आपको मिल सकती है, या आपने हो सकता है और कहीं इंटरनेट पे पढ़ा हो। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि NFC क्या है, उसकी मदद से आप क्या क्या काम कर सकते हैं और वो कितनी फायदेमंद टेक्नोलॉजी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि NFC जो होता है वो उसका पूरा नाम होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कम दूरी का मतलब मानिए ऐसा बस 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या फिर बिल्कुल टच, तो इतनी कम दूरी पे कम्युनिकेशन कर सकती है काफी अच्छे से। और जब वो कम्युनिकेशन करती है वो बहुत ही फास्ट होता है, उनकी बैटरी की खपत बहुत ही कम होती है और बहुत ही आसान होता है इसे यूज करना। अब देखिए, कोई भी अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें एक एंटीना की जरूरत तो जरूर पड़ती है, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, चाहे वो सैटेलाइट हो। अब वो जो एंटीना है वो अलग अलग फोन में अलग अलग जगह होता है। जैसे देखिए, मेरे पास में सैमसंग का फोन है और इसमें जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन का जो एंटीना है वो बैटरी के ठीक नीचे, आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। मेरे पास में एक दूसरा फोन है, उसमें जो वो एंटीना जो दिया हुआ है वो बैटरी में नहीं है, वो फोन के बैक कवर में है। आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये फोन के बैक कवर में आपको दिखेगा एंटीना, एक चौकोर एंटीना है, और इधर आपको दो कनेक्टर पिन दिखेंगी जो कि यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो थी एंटीने की बात। ये एंटीना ज्यादा काम कर सकता है, ये एंटीना कुछ इंफॉर्मेशन भेज सकता है और कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ NFC के 5 ऐसे यूज के बारे में जिनकी मदद से आप बड़ी आसानी से अपनी मोबाइल लाइफ को और अच्छा बना पाएंगे। तो पहला जो यूज आता है वो ये है, आप NFC की मदद से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। मान लीजिए आपके पास में दो फोन है जिनमें NFC है, आप क्या करें, उन दोनों फोन को बस ऐसे नजदीक लेके आए और टच करें, और आप इस तरफ से जिस भी फोन से आपको डेटा भेजना है, जैसे आप टच करेंगे आपको उसमें ऑप्शन आएगा, आप बस टच कीजिए, और आपको ब्लूटूथ की तरह कोई पेयरिंग नहीं करनी है, कोई कोड नहीं डालना है, कोई पास की नहीं डालनी है, पेयरिंग अपने आप हो जाएगी, सारा काम अपने आप हो जाएगा और आप डेटा बड़ी आसानी से भेज सकते हैं NFC के थ्रू। जो NFC का दूसरा सबसे अच्छा फीचर है वो है पेयरिंग करना आपके डिवाइसेस के साथ में। मान लीजिए आपने एक ब्लूटूथ स्पीकर खरीदा है, मान लीजिए आपने एक ब्लूटूथ हेडफोन खरीदा है, या इसी तरीके का आपने कोई और गैजेट खरीदा है, तो पहले क्या होता था कि आपको उसका ब्लूटूथ ऑन करना है, आपके फोन की ब्लूटूथ की सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको डिवाइस मिलेगा, आप उसको सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद में आप पेयर की डालिए, उधर आप एक्सेप्ट कीजिए, तो ये काफी एक लंबी प्रोसेस थी। और अगर कोई नया यूजर कनेक्ट करना चाहे तो उसके लिए तो काफी टाइम लग जाता था। NFC के ऑप्शन से क्या होगा, मान लीजिए कि ये आपका जो था ये ब्लूटूथ स्पीकर है, आपने उसको पावर में कनेक्ट किया हुआ है, आप अपने फोन में NFC ऑन कीजिए और लाके इसके ऊपर बस टच करके ऐसे उसको हटा लीजिए। जैसे ही आप उसको टच करेंगे, टच करते ही वो पेयरिंग अपने आप हो जाएगी। तो दूसरा जो फीचर है वो ये कि आप NFC की मदद से दो कंपैटिबल डिवाइसेस जिनमें NFC है उनकी पेयरिंग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। बात करते हैं फीचर नंबर 3 की। देखिए, फीचर नंबर 3 जो है वो ये कि आप NFC की मदद से पेमेंट कर सकते हैं। आजकल एंड्रॉयड पे जो है वो बहुत पॉपुलर है, सैमसंग पे और एप्पल पे भी बहुत पॉपुलर है, तो वो NFC पे ही काम करते हैं। होता क्या है कि जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं, जहां पे आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं, जो टर्मिनल होता है जहां पे आप पे करते हैं, वो टर्मिनल आजकल बहुत सारे NFC इनेबल्ड हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके फोन में अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रखी है, आपके फोन में आप जैसे ही उसको नजदीक लेके जाते हैं, आप अपने फोन को खोलिए, आप सेलेक्ट कीजिए आपको कौन से कार्ड से पैसा देना है, और मान लीजिए ये वो टर्मिनल है जहां पे आपको कार्ड स्वाइप करना होता है, तो आप बस अपने फोन को वो खोल के एप्लीकेशन अपनी और वो कार्ड निकाल के आप उसको टच कर दीजिए और आपका पेमेंट हो जाएगा। आपको किसी कार्ड की जरूरत नहीं है, आपको किसी कार्ड को स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने फोन को टैप करने की जरूरत है। चौथे नंबर की एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, तो वो है NFC टैग। NFC टैग क्या होता है, एक बहुत ही छोटा सा एक टैग होता है, और उस टैग में आप कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं, बहुत छोटा सा, बहुत बहुत कम डेटा, लेकिन वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो वाईफाई का पासवर्ड हो सकता है, वो आपके फोन के अंदर आप बहुत सारी सेटिंग्स को चेंज करने के लिए इन्फॉर्मेशन हो सकती है। और ये कार्ड बड़ी आसानी से मिलते हैं और आप इनको बड़ी आसानी से कॉन्फिगर कर सकते हैं। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इस बारे में कि आप कैसे इन कार्ड्स का यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप मानिए कि आपने अपने घर में एक कार्ड जो है छोटा NFC का टैग है उसको आपने एक कोने में चिपका दिया। अब कोई दोस्त अगर आपका घर पे आता है, उसको अगर वाईफाई का पासवर्ड चाहिए, तो आपको बोल के बताने की जरूरत नहीं है, उसको खुद से कनेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अपने फोन का NFC ऑन करे, उस टैग पे टच करे, और टच करते ही ऑटोमेटिकली उसके फोन में वाईफाई का पासवर्ड आ जाएगा और वो वाईफाई से कनेक्ट कर पाएगा। या मान लीजिए आपने अपनी कार में एक NFC टैग लगाया है,
तो जैसे ही आप अपनी कार में बैठते हैं, आपने फोन को टच करते हैं एनएफसी टैग से, तो जैसे ही आप टच करते हैं वैसे ही आपके फोन में नेविगेशन की एप्लीकेशन खुल जाती है, या आपका जो ब्लूटूथ है वो अपने आप आपकी गाड़ी के स्टीरियो के साथ में कनेक्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें एनएफसी की काम में आ सकती हैं एनएफसी टैग्स की मदद से। पांचवा और जो सबसे आखिर फीचर है एनएफसी का, वो आजकल एक चीज बहुत पॉपुलर है जिसका नाम है एनएफसी बिजनेस कार्ड्स। एनएफसी बिजनेस कार्ड्स क्या होते हैं? जो आपका नॉर्मल एक विजिटिंग कार्ड होता है, एक बिजनेस कार्ड होता है, वो एनएफसी इनेबल्ड होता है। उसके अंदर एक एनएफसी चिप लगी होती है। उसकी मदद से क्या होता है कि आपने कार्ड पे जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो तो सिर्फ पढ़ने से ही काम आ सकती है, लेकिन जैसे ही कोई यूजर अपने फोन का एनएफसी ऑन करके उस कार्ड पे टच करता है, टच करते ही आपने एडिशनल क्या क्या उसमें इंफॉर्मेशन देनी है वो उसके फोन में एज अ कॉन्टैक्ट सेव हो जाती है। और बड़े आसानी से आप उसमें अपनी वेबसाइट का एड्रेस, अपना फेसबुक, सोशल मीडिया का जितने भी हैं आपके लिंक्स, वो आप डाल सकते हैं, आप अपनी फोटोज डाल सकते हैं। तो एनएफसी की मदद से आप जैसे ही बिजनेस कार्ड टच करते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटली उस फोन में स्टोर हो जाती है। तो दोस्तों ये तो थे एनएफसी के पांच फायदे और पांच उसके उपयोग और एनएफसी के बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो। मैं आपको अगले वीडियो में एनएफसी के बारे में और भी बातें बताऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कार्ड्स को आप कैसे कॉन्फिगर कर सकते हैं, कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं आपस में डिवाइसेस को, कैसे आप पेयरिंग कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें आने वाली वीडियोस में आपको जरूर मिलेंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए टेक्निकल गुरु जी के साथ। अपना प्यार, अपना सपोर्ट यूं ही देते रहिए। सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोज को शेयर करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।